अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ, आज इज नॉर्थ लास्ट। आज हम इसका पेज नंबर 108 and 103 थे। राइटिंग स्किल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी, किसी स्टोरी की जो समरी है उसको किस तरह से लिखा जाता है। और दूसरी जो मेन चीज़ हमें सीखनी है वो पर्सनल नैरेटिव है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पर्सनल नैरेटिव राइटिंग, कि पर्सनल नैरेशन जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। और जो राइटिंग स्किल में हमारा फर्स्ट वर्क है वो समरी ऑफ द स्टोरी है। हम सीखेंगे कि जो समरी की स्टोरी है उसको हम किस तरह से लिखा जाता है और उसमें किस चीज़ को हम बार बार डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम किसी स्टोरी की समरी को लेके चल रहे हैं, समरी लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए, टाइटल, उसका मिडल और एंड। और टाइटल हो, उसका मिडल हो या एंड हो, उसमें डिस्कस हम मेन इवेंट को करते हैं। हमारा फोकस जो होता है वो मेन इवेंट होता है, मतलब जो इशू स्टोरी के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर सारी स्टोरी घूम रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने अभी आज इज नॉट लास्ट की जो स्टोरी पढ़ी है उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया गया था। जो नर्स है उसने जो काम किए थे, उसने जो स्ट्रगल की थी अपनी पेशेंट को रिकवर करने के लिए, उसको ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस लेके आने के लिए उसने जो स्ट्रगल की थी उसको डिस्कस किया था। उसने बहुत सारे एग्जांपल्स थे, बहुत सारे हार्डशिप्स थी उसके उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल के लिए। अब उसको राइटर ने स्टेप बाय स्टेप सारी स्टोरी में डिस्क्राइब किया। अब हमने जब समरी लिखनी है तो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्राइब नहीं करना, हमने तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। पहले तो हम लेना है टाइटल, कि जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है। जैसे ऑल इज़ नॉट लास्ट है तो उसका टाइटल ऑल इज़ नॉट लास्ट है, तो उसमें डिस्कस किस इशू को किया गया है, उसका जो है बिगिनिंग स्टार्ट कैसे हुआ, उसका मिड क्या था, उसका एंड क्या था। अब मेन इवेंट को जब हम लेके चलेंगे तब हम फिर हमारे लिए आसानी होगी बिगिनिंग, मिडल और एंड तक आना। अब ये चीज़ माइंड में रखें कि हमारी बिगनिंग और एंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और समरी लिखते हुए ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि अगर हम समरी लिख रहे हैं तो फिर समरी का मतलब ही चीज़ को समराइज करना है, छोटा करके लिखना है। अब ये नहीं कि हम टाइटल को लेके चल रहे हैं, मेन इवेंट को लेके चल रहे हैं, उसमें पूरी स्टोरी ही हमने लिख देनी है, नहीं लिखनी हमने स्टोरी की समरी है। यानी कि उसको अगर हमारे पास तीन पैराग्राफ्स हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूं आपको, कि स्टोरी में अगर तीन पैराग्राफ हैं तो आपने उसको समराइज करना है 1.5 पैराग्राफ में। ठीक है, 1 में भी आप कर सकते हैं, उसका आप हाफ कर लें, ठीक है, या हाफ से भी कम में कर सकते हैं। अब ये चीज़ माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि जब हम समरी लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है और हम किस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। हमारा फोकस क्या है, वो नर्स और उसका पेशेंट, उनके हमने क्या करना है, पहले हमें स्टार्ट लेना है कि इस तरह से जो है एक नर्स है और साथ में पेशेंट है। अब उसके अंदर हम सारे इवेंट्स नहीं डिस्कस कर सकते, सिर्फ मेन इवेंट डिस्कस करेंगे। और हमारा मेन इवेंट है क्या, वो जो हीरा थी हमारे पास, अगर हम स्टोरी आज नॉट लास्ट की हम समरी लिख रहे हैं तो पेशेंट हमारे पास हीरा है जिसको जो है सीवियर किस्म की चोटें आई हैं, उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। और सब लोग यही समझ रहे हैं, दूसरे इवन के सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो जवाब दे चुके हैं कि लाइफ की तरफ वापस नहीं आ सकती। लेकिन एक यंग प्रोफेशनल नर्स जो है, जिसको अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अब वो क्या करती है, वो उसके लिए कोशिश करती रहती है, काम करती रहती है। इवन कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी वो बहस करती है हीरा के लिए कि वो जो है, मुझे उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएगी, वो रिकवर हो भी जाती है। अब इसके अंदर आपने देखा कि हमें बताया क्या जा रहा है, लेसन क्या दिया जा रहा है, जो हमारा मेन इवेंट है या एंड है, जब हमने एंड पे आना है तो उस लेसन को लेके हमें चलना है, वो लेसन हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, लेसन हमारा क्या था स्टोरी के अंदर, कि वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक छोटा प्रोफेशन है, कम हैसियत पेशा है। अब कोई भी, उसने बताया कि कोई भी पेशा जो है कम हैसियत नहीं होता, वो डिपेंड करता है काम करने वाले पे, कि वो किस तरह से काम करता है, कितना वो लॉयल है अपने प्रोफेशन के साथ या कितनी ऑनेस्टी के साथ वो काम कर रहे हैं। जितना ही आप हार्ड वर्क करेंगे, जिसे कहा जाता है कि इंटेलिजेंट लोग जो है ना काम हो सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क लोग काम नहीं हो सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो उससे काम चल सकता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर नहीं है तो काम नहीं, उसमें आप उस सूरत में आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। अब उसमें बताया गया कि अगर कोई भी प्रोफेशन है उसके साथ लॉयल होकर ऑनेस्ट होकर काम करते हैं तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं और आपको उस प्रोफेशन में जो है अधूरा हासिल हो जाता है। अब हम ये क्या चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हमने जो टाइटल है वो माइंड समरी
मेरा मिडिल जो है उसको मैं किस तरह लेके चलूंगी, उसके अंदर जो इवेंट मेन इवेंट हमारा है उसके अंदर जो डिस्कस हुआ है उसको मैंने कैसे जो है एक ही स्टेप में सारे इवेंट को डिस्कस करना है ताकि स्टोरी जो है समराइज भी हो जाए और जो है मैं जो बात कहना चाह रही हूँ दूसरों तक पहुंच भी जाए और काम ज़्यादा लेंथी भी ना हो, जो आप लिखना चाह रहे हो ज़्यादा लेंथी भी ना हो। आपका मेन इवेंट जो है उसके रिवॉल्व सारी स्टोरी की घूमनी चाहिए और जब आप एंड कर रहे हैं तो उसमें आपका जो लेसन है जो आपने लेसन अचीव किया वो डिस्कस होना चाहिए और एंड किसका आप कर रहे हैं अपने मेन इवेंट का, तो जो इशू था आपका मेन इवेंट था जिसके अराउंड सारी स्टोरी घूम रही थी वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। अब ये देखें, ये हो गया आपका समरी लिखने का मेथड, सेम इसको आपने फॉलो करके समरी लिखने, स्टोरी की कोई मुश्किल चीज नहीं है, स्टोरी आपके सामने रखी हुई होगी, आपने टाइटल लेना है उसका, फिर उसके जो है आपने किस चीज को डिस्कस करना है मेन इवेंट को, और मेन इवेंट को डिस्कस करने के लिए आपको बिगनिंग चाहिए, मिडल चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग एंड चाहिए और एंड में आके आप एक लेसन जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पोएम की समरी लिखते हैं तो उसमें हमारे पास हिडन मीनिंग्स होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है समरी उसके डिफरेंट स्टैंजा के थ्रू, जो स्टैंजा दो स्टैंजा तीन चार जितने भी राइटर ने दी पोएट ने दी है उन स्टैंजा को हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समराइज करते हैं उसको। ठीक है, और वो हिडन मीनिंग दूसरों तक पहुंचाते हैं। सेम एज आपने समरी में करना है कि वो लेसन क्या देना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, राइटर जो है क्या बताना चाह रहा है हमें इसके थ्रू। ठीक है, आपने सारी स्टोरी नहीं लिखनी है, उस स्टोरी को आपने अपनी वर्डिंग में समराइज करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, अब आप आ जाओ पर्सनल नैरेटिव पे कि अगर हम नरेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें होना जरूरी है और किन चीजों का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखिए जब आप नरेशन लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में होती है। ठीक है, और दूसरी मेन चीज जो है नरेशन जो है पर्सनल जो पर्सनल पर्सन है या फर्स्ट पर्सन आप कह सकते हैं उसके बारे में होती है, यानी कि जो बता रहे हैं जो स्टोरी है। अगर हम नरेशन आर इज नॉट लास्ट हमने पढ़ी है तो ये नरेशन है क्योंकि वो जो यंग नर्स है वो अपनी स्टोरी हमें खुद सुना रही है। ठीक है, यानी कि मेन चीज उसमें ये होनी चाहिए कि जो वर्ड यूज होगा उसमें जो स्टोरी सुनाने वाला होगा वो उसकी खुद की स्टोरी होगी, वो क्या वर्ड यूज करेगा, आई वर्ड यूज करेगा, अपने बारे में वो बता रहा है। ठीक है, और साथ में जो सेकंड पर्सन है, अब इसमें ये चीजें जो मेन तीन चीजें हैं उसके अंदर वो जो है ये है इंक्लूड चॉइस ऑफ पीरियड इन योर लाइफ। ठीक है, आपने अपनी लाइफ का कोई पीरियड लेना है उसको आपने उसके अंदर जो है ऐड करना है। अब पीरियड किस तरह का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग किस्म का, मतलब आप स्टोरी लिख रहे हैं अपने पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं तो कोई ऐसा पीरियड लेंगे जिसके अंदर आप अगर स्टोरी बना रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग होगी। जैसे अगर हम देखते हैं तो इसमें नर्स ने अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लिया, सारी जिंदगी नहीं उसने बताई, इवेंट एक ही डिस्कस किया है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसने उसकी लाइफ चेंज की और हीरा की लाइफ को भी उसने चेंज कर दी, यानी उसने उस इवेंट ने उसको दूसरों की नजरों में हीरो बना दिया। ये चीज अपने माइंड में रखनी है नरेशन लिखते हुए। अब दूसरा है इंक्लूड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट एट दैट टाइम। आप स्टेटमेंट जो दे रहे हैं आपकी क्लियर होनी चाहिए उस पर्सनैलिटी के बारे में। इंक्लूड सिग्निफिकेंट डिटेल्स एंड एन इंसिडेंट टू पोर्ट्रे पर्सनैलिटी। अब वही चीज मैं आपको जो पहले बता रही हूँ कि इंसिडेंट जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि उस पर्सनैलिटी को अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से वो स्टोरी लिखेंगे, इस तरह वो नरेशन दूसरों को बताएंगे कि जिसमें एक इशू भी होगा रिजॉल्व भी हो जाएगा किसी स्टोरी की तरह, लेकिन मेन चीज वो क्या करेगा आपकी पर्सनैलिटी को वो इवेंट पोर्ट्रे करेगा कि आप किस तरह के इंसान थे, आपने कोई इवेंट डिस्कस किया तो इस इवेंट से आप कैसे बाहर निकले, सिचुएशन से आपने सिचुएशन को कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, आप कैसे बाहर आए। ठीक है, और जो चीजें आपने माइंड इन तीन पॉइंट्स के अलावा आपने जो चीजें माइंड में रखनी है वो ये है, चूज एन ओनली मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट। वही चीज जो मैंने बताई है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट, ये नहीं कि जो मर्जी पकड़ के आपने जो है कोई बात तो उसको डिस्कस करने की शुरू कर दी कि मैंने यहाँ ये किया मैं वो किया, नहीं, आप इवेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इवेंट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग, जो क्या करे कि रीडर को के माइंड को में इंटरेस्ट डिवेलप करे। ठीक है, उस अगर वो उसने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है तो उसके आपने इस तरह से उससे अपने जो है उस सारे इवेंट को डिस्कस किया हो कि अगर उसने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है तो वो नहीं भी पढ़ना चाह रहा तो आप उसको अट्रैक्ट करें आपका पैराग्राफ आपकी स्टोरी, आप उसको नेक्स्ट चीजें पढ़ने पर मजबूर करें। यूज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज करें, ये नहीं कि इवेंट कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं से कहीं मिडल आ गया कहीं, नहीं, एक पूरा इसका सीक्वेंस होना चाहिए कि स्टार्ट ये हुआ मिडल ऐसे हुआ और इसका एंड ऐसे हुआ। ठीक है, ये चीजें अपने माइंड में रखनी है।
कन्वर्सेशनल टोन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, कन्वर्सेशनल टोन जो है वो फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप नरेशन लिख रहे हो तो वो आई से ही स्टार्ट होगी, वो फर्स्ट पर्सन डिस्क्राइब करेगा अपने बारे में। और एंड आपका किसका होगा? स्ट्रॉन्ग सेटिस्फाइंग कंक्लूजन, आपका एंड जो है वो स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइंग होना चाहिए। जब मैंने आपको समरी में भी यही चीज बताई कि जब आप एंड करते हैं तो इसमें एक लेसन होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये दोनों चीजें होगी, ये समरी का मेथड और ये नरेशन का मेथड। अब इसमें आपने जो मेन वर्क करना है कि इन मेथड्स को आपने लिख लेना है और इसको फॉलो करते हुए आपने समरी और स्टोरी को सामने लिख लेना है। आप लिखेंगे समरी लिखेंगे या फिर नरेशन लिखेंगे, इन दोनों में से एक चीज आपने मस्ट लिखनी है, ठीक है। अगर आप समरी लिखे हैं तो उसके लिए आपको स्टोरी को सामने रखना पड़ेगा कि स्टोरी को एक दफा से दोबारा रीड करें, जैसे कि हम उस पर काफी डेज लगा चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने के बाद आप उसको समराइज करें अपनी वर्डिंग में। और नरेशन लिखे हैं तो उसमें आप अपना जो है लाइफ का कोई मेन इवेंट डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।